सिंगरौली में अवैध कब्जे को हटाने के विरोध में पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल समर्थकों के साथ अनशन पर बैठ गए। अनशन की खबर लगते ही एसडीएम आकाश सिंह मौके पर पहुंचे और कमलेश्वर पटेल से बात करने की कोशिश की, लेकिन पूर्व मंत्री ने प्रशासनिक अधिकारी की बात सुनने से मना कर दिया और अतिक्रमणकारियों को मुआवजा देने की मांग पर अड़ गए। कई घंटों बाद कमलेश्वर पटेल ने आश्वासन के बाद अनशन तोड़ा। देवसर तहसील के बहेरा गांव में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर पक्का मकान निर्माण करने वाले अवैध कब्जाधारियों के निर्माण को एसडीएम आकाश सिंह ने तोड़वा दिया, जिसको लेकर कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल ने इस कार्यवाही को अवैधानिक बताते हुए मोर्चा खोल दिया और गिराए गए मकान के सामने ही सड़क पर अनशन पर बैठ गए। विधायक लगातार यह मांग कर रहे थे कि सरकारी जमीन से गिराए गए मकानों का मुआवजा दिया जाए, इसके साथ ही अतिक्रमणकारियों को पट्टा दिया जाए। सूचना मिलने पर एसडीएम आकाश सिंह वहां पहुंचे और कार्रवाई की पूरी जानकारी देने की कोशिश की, लेकिन कमलेश्वर पटेल ने उनकी एक न सुनी, वहीं एसडीएम को ही फटकार लगा दी। विधायक नहीं माने तो आकाश सिंह भी लगातार 5 घंटे धरना स्थल पर ही बरसते पानी पे खड़े रहे। जो इनका आसियाना उजड़ा है, इनको राहत राशि नहीं देंगे, इनका घर बनाने के लिए लिखित में आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक हम जाने वाले नहीं हैं। हमने बहुत संघर्ष किया है और गरीबों मजदूरों के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ अगर अन्याय होगा तो हमारे सिहावल विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता ने हमको इतनी ताकत दी है, यहाँ की जनता ने इतनी ताकत दी है, उस ताकत का हम पूरा इस्तेमाल जनहित में करेंगे। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। और एक वाकया हमने सुना है कि कल सरई में 2-3 गाड़ियों की लाइट फुड़वा दी एसडीएम ने। अरे कोई अगर कहीं गलत किया है, आप जुर्माना करिए, आप कानून व्यवस्था हाथ में इस तरह से नहीं ले सकते कि किसी के लाइट फोड़वा दीजिए, किसी को झापड़ मार दीजिए। आखिरकार जब कलेक्टर ने अपना प्रतिनिधि मंडल देवसर भेजा और विधायक की मांगों को हल करने का भरोसा दिलाया, तब जाकर विधायक धरना स्थल से हटे। गौरतलब है कि सरकारी जमीन पर जिन अतिक्रमणकारियों ने अवैध निर्माण कार्य किया था, उनके पिता सरकारी शिक्षक हैं और उनकी माँ उसी गाँव में कई जमीनों की मालकिन है। उन लोगों के द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को गिराने के एवज में 4.5 लाख रुपए का मुआवजा और उन्हें पट्टा देने की मांग पूरी होने पर जहां विधायक और पीड़ित इसे अपनी जीत मान रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो सरकारी भूमियों पर अतिक्रमण करने वाले लोगों के हौसले अब बुलंद हो जाएंगे। आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है। फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर साइंस, पैरामेडिकल, लॉ एंड मेनी मोर। विजिट lnctu.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।